सोचो एक ऐसा रेस्टोरेंट बिजनेस जिसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो, जो यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करे, जिसके अंदर आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो एंड जिसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई हो, एंड प्लस द बेस्ट थिंग वुड बी कि वो आपके हिसाब से या कस्टमर्स के हिसाब से लोकेशन चेंज कर पाए। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर बिजनेस मॉडल है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में, एंड दैट इज कॉल्ड द फूड ट्रक बिजनेस। काफी लोगों ने इसके बारे में पिछले वीडियोस में कमेंट किया था कि सर फूड ट्रक बिजनेस के ऊपर वीडियो बनाओ, फूड ट्रक का बिजनेस कैसे शुरू करें, फूड ट्रक के बिजनेस को कैसे बड़ा करें। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इंडस्ट्री इज कि ये एक एवरग्रीन इंडस्ट्री है, राइट? रोटी, कपड़ा, मकान, जितने भी बिजनेसेस ये तीन चीजों से जुड़े हुए हैं वो एवरग्रीन है, क्योंकि ये तीन चीजों की कंजम्पशन कभी भी कम नहीं होने वाली। इनफैक्ट कोविड के बाद में सबसे जल्दी बाउंस बैक करने वाली इंडस्ट्री थी फूड एंड बेवरेजेस, राइट? क्योंकि हम लोग दोस्तों के साथ बाहर खाते हैं, बाहर घूमते हैं, फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो आई थिंक दिस इंडस्ट्री is something that is never going to end and जिसका potential दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आज food and beverages के बारे में पूरा नहीं बात करेंगे, आज बात करेंगे food truck बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है कम से कम पैसों में। सारी चीजें बताऊंगा कि मार्केट साइज क्या है, कौन सा लाइसेंसेस चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कितना प्रॉफिट है, कितना रिटर्न है, ब्रांड कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट? ये सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर ये वीडियो जरूर आखिर तक देखना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। सो हे गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज अ न्यू वीडियो ऑफ धंधा 101 सीरीज, जिसके अंदर हम लोग हर वीडियो में एक नया बिजनेस आइडिया लेके आते हैं, जिसके बारे में लोग सारी चीजें स्टार्ट टू एंड सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं और आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मेरे कोई भी वीडियो में ज्यादा हवाबाजी या ज्यादा गैस नहीं होता, राइट? हम लोग प्योर बिजनेस की बातें करते हैं सारी चीजों के बारे में। तो अगर आपको एंटरटेनमेंट, नाच गाना चाहिए तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, राइट? लेकिन अगर आपको सच में बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर आपको सच में स्टार्टअप में बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो फिर एक नोटपैड और एक पेन लेके बैठना और जो भी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स या फिर जो भी स्ट्रेटजीज फॉर्मूले बताऊंगा इस वीडियो में वो सारे नोट डाउन करना, क्योंकि ये वीडियो देख के आप ना सिर्फ ये बिजनेस शुरू कर सकते हो लेकिन आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरामीटर एंड दैट इज द मार्केट साइज। 2019 में इंडिया में फूड सर्विस बिजनेस का मार्केट साइज था करीब 66 बिलियन डॉलर्स, जो 2023 में बढ़ के हो गया 100 बिलियन डॉलर, राइट? यानी कि डेढ़ गुना बढ़ गया सिर्फ 4 सालों में, एंड ये बढ़ते जाने वाले क्योंकि इंडिया में F&B इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं फूड ट्रक बिजनेस की बात करूं, जो आज की तारीख में करीब 1000 करोड़ के आसपास है, जो हर साल 8.4% के कैगर से ग्रो करी है, तो एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग विद अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8.4%, राइट? डेफिनेटली इस बिजनेस का जो मेजर मार्केट है, जो मेजर टारगेट ऑडियंस है इंडिया में, वो सारे मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले लोग हैं, राइट? जिनके अंदर ये फूड ट्रक बिजनेस का अवेयरनेस है एंड जहां पे आप ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि लोगों के पास उतना अफोर्डेबिलिटी है, उतना डिस्पोजेबल इनकम है। तो सारे इंडिया के मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, यहां पे ये बिजनेस बहुत अच्छे से बन सकता है। तो अब मार्केट साइज देख लिया, अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में इतना ज्यादा पोटेंशियल क्यों है, स्पेशली आफ्टर कोविड काफी ज्यादा चेंजेस आ गए एंड स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद में और भी ज्यादा चेंजेस आ गए। द फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस। कोविड के बाद में हम लोग बहुत ही ज्यादा अवेयर हो गए हमारे हेल्थ के बारे में एंड हाइजीन के बारे में, राइट? तो स्ट्रीट फूड एक ही चीज लैक करती है, दैट इज हाइजीन। टेस्ट बहुत होती है लेकिन हाइजीन नहीं होता। तो फूड ट्रक्स आर डेफिनेटली अ ग्रेट हाइजीनिक अल्टरनेटिव टू द स्ट्रीट फूड दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। द सेकंड पॉइंट इज इंडिया में जैसे जैसे यंगस्टर्स अभी अर्न कर रहे हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे लोगों के इनकम ग्रो कर रहे हैं, तो उनके पास डिस्पोजेबल मनी आ गया, राइट? एंड देयरफॉर दे आर मोर ओपन टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, क्योंकि उनके पास पैसा है, क्योंकि अभी उनके पास अफोर्डेबिलिटी आ गई है। तो आप अगर फूड ट्रक के ऊपर कुछ नया कुजीन अगर आप ट्राई करते हो बेचने के लिए, तो फिर वो भी बहुत अच्छे से बिक सकता है, क्योंकि आज लोगों के पास एक्सपोजर भी है इंटरनेट के थ्रू एंड प्लस लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी भी है। द थर्ड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑन द गो फूड, राइट? आज इंडिया में मेजर सिटीज में किसी के पास टाइम नहीं है, राइट? अपने बिजी शेड्यूल में से कैफे में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ और के खाना खाओ। तो फूड ट्रक इज अ ग्रेट ऑप्शन कि अगर आपको ऑन द वे पिकअप करना है खाना, तो फिर आप फूड ट्रक से पिकअप करके जा सकते हो। द फोर्थ पॉइंट इज इंडिया में काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, काफी ज्यादा एग्जीबिशंस, इवेंट्स होते रहते हैं, एंड देयरफॉर दीज आर ग्रेट स्पॉट्स अगर आपको आपकी फूड ट्रक लेके जानी है, यू कैन डू अमेजिंग बिजनेस इन जस्ट वन डे और टू डे, राइट? द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने क्या कर दिया ना कि हमारे यंगस्टर्स को वो सारी चीजें दिखा दी जो वेस्टर्न कंट्रीज में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, एंड फूड ट्रक एक ऐसा अट्रैक्टिव बिजनेस है, एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया यंगस्टर्स के लिए। तो अगर आप सोशल मीडिया को कैपिटलाइज करके अगर आप
इंडिया में अपना एक फूड ट्रक का ब्रांड बना सकते हो, तो आई थिंक यंगस्टर्स को आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके कुजीन में कुछ नया है, अगर आपका ब्रांड बहुत अट्रैक्टिव है, तो आपकी एक रील भी अगर वायरल हो गई इंटरनेट के ऊपर तो वो आपको बहुत ज्यादा कस्टमर्स ला के देगी। अब बात करते हैं बिजनेस के लाइसेंसेस के बारे में, राइट। तो यहां से अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, कमर्शियल व्हीकल सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपकी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से FSSAI का फूड एंड सेफ्टी का आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, GST कंपोजिशन स्कीम, फिर एनरोलिंग फॉर सेंट्रल एंड स्टेट GST नीड्स टू बी डन, लेकिन सेंट्रल और स्टेट GST आपके ऊपर तब लागू होता है जब आपके बिजनेस का टर्नओवर सालाना 20 लाख रुपए से ज्यादा हो, एंड उसके बाद में किचन एंड व्हीकल इंश्योरेंस टू अकाउंट फॉर रिस्क एंड लायबिलिटीज। डेफिनेटली ये लाइसेंसेस दिखने में काफी ज्यादा दिख सकते हैं, लेकिन काफी सारे लाइसेंसेस के प्रोसीजर ऑनलाइन ही है जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। एंड प्लस आप क्या कर सकते हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता में काफी सारे फूड ट्रक्स है, आप उन फूड ट्रक के ओनर्स के पास जाके उनसे बात कर सकते हो कि उन्होंने लाइसेंसेस कैसे लिए, क्या प्रोसेस है, तो वो आपको प्रैक्टिकली ज्यादा हेल्प कर पाएंगे, राइट। अब चलते कि इस बिजनेस को करना कैसे है। सबसे पहली चीज, आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट ढूंढो कि आपके फूड ट्रक में, आपके बिजनेस में, आपके ब्रांड में क्या यूनिक होने वाला है। इट कैन आइदर बी योर कुजीन, इट कैन बी योर ब्रांड वाइब, आप मतलब क्या बना रहे हो, क्या बेच रहे हो, आप किस तरीके से बना रहे हो, किस तरीके से बेच रहे हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं कि आजकल कितने सारे वीडियोस वायरल होते हैं जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के, कोई रजनीकांत स्टाइल डोसा बना रहा है, तो कोई क्या जूस बना रहा है, कोई नाच के वड़ा पाव बना रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा वायरल होती है, राइट। सो यू नीड टू फाइंड वॉट इज दैट वन USP, आपको ऐसे नाचना नहीं है, आपको गाना नहीं है, लेकिन यू हैव टू फाइंड दैट वन यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसके लिए आपको पूरा ब्रांड स्टैंड करता है, राइट, एंड जिसको मार्केट करके, प्रमोट करके आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो। चाहे आप आपके मेन्यू के ऊपर डिशेस के नाम कुछ अलग रख सकते हो, आप उसकी प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन कुछ अलग कर सकते हो, आप उसकी पैकेजिंग अलग कर सकते हो, ब्रांडिंग अलग कर सकते हो, तो ये सारी चीजों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि आपके फूड ट्रक के ऊपर ऐसा क्या अलग मिलता है कि लोग आपके फूड ट्रक पे आएंगे। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में कि बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक कमर्शियल व्हीकल चाहिए, एक फूड ट्रक चाहिए, राइट। काफी सारे मैन्युफैक्चरर्स फूड ट्रक बनाते हैं, आपको नॉट नेसेसरीली खरीद के एक ट्रक को फूड ट्रक में कन्वर्ट करना है, लेकिन आप जो ऑलरेडी मेड है आप उसी फूड ट्रक को खरीद सकते हो, अगर आपके पास बजट है यूज में खरीद लो, नहीं तो फिर आप उसे रेंट के ऊपर ले सकते हो। सो द फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज राइट कमर्शियल व्हीकल, द सेकेंड इज राइट लोकेशन, हाई फुटफॉल के एरियाज फिगर आउट करो, चाहे वो कॉर्पोरेट कैंपसेस हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, चाहे वो टूरिस्ट प्लेसेस हो, कोई भी चीज हो, मार्केट प्लेसेस हो, तो हाई फुटफॉल के प्लेसेस आइडेंटिफाई कर लो अपनी सिटी में जहां पे जाके आप अपना धंधा चला सकते हो। द थर्ड थिंग इज डिसाइडिंग द मेन्यू, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या मेन्यू बना रहे हो। स्पेशली फूड ट्रक में नॉर्मल जो रेस्टोरेंट वाला मेन्यू है ना वो चलता नहीं है, आपको ऐसी कुछ चीजें चाहिए जो QSR की तरह क्विक सर्विस वाली है, राइट, जल्दी जल्दी से बना के आप जल्दी जल्दी से कस्टमर्स को सर्व कर पाओ, एंड प्लस कुछ उसमें इंटरेस्टिंग हो, कुछ उसमें ना एक ऐसी किक हो, पता है, नॉर्मल राजमा चावल तो कोई खाने के लिए आने नहीं वाला है, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ अलग करना पड़ेगा, तो ऐसा इंटरेस्टिंग नाम वाला मेन्यू, इंटरेस्टिंग प्रिपरेशंस वाला मेन्यू, इंटरेस्टिंग कुजींस वाला मेन्यू आपको डिसाइड करना पड़ेगा। द फोर्थ इज सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, आपको रॉ मटेरियल्स कहां से सोर्स करना है, आप हर रोज जाके मार्केट से सुबह सुबह जाके लेके आओगे, या फिर आपका कोई एक सप्लायर है जो आपको हर रोज सप्लाई करेगा, तो आपको सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल बैकएंड के लिए फिगर आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लिमिटेड रॉ मटेरियल में ज्यादा आइटम्स रखने पड़ेंगे मेन्यू के ऊपर, राइट, क्योंकि फूड ट्रक में स्पेस का लिमिटेशन होता है, एंड प्लस आप ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते रेस्टोरेंट की तरफ, आप आधा घंटे से कुक ही कर रहे हो, राइट, तो यू नीड टू मैक्सिमाइज द मेन्यू with limited amount of raw materials, and that is how you have to run this business efficiently. The fifth is equipment, and जो भी required setup आपको चाहिए, आप अगर एक food truck की rent पे ले रहे हो तो उसके अंदर तो सारी चीजें होंगी, या फिर अगर आप एक सेकेंड हैंड वैन को लेके अगर आप उसको ट्रक में कन्वर्ट करो फूड ट्रक में, तो आपको उसके अंदर किचन इक्विपमेंट जो भी नेसेसरी सेटअप है वो उसमें लगाना पड़ेगा, तो आपको क्या फिजिबल है वो आपको देखना पड़ेगा। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि जो ऑलरेडी प्री मेड जो फूड ट्रक्स है वहां पे जाइए उनके मैन्युफैक्चरर्स के पास में, रिटेलर्स के पास में, एंड उनसे वो फूड ट्रक रेंट पे लीजिए, क्योंकि उसके अंदर सारे किचन की इक्विपमेंट सारा सामान उसके अंदर होगा। द सिक्स्थ इज मैन पावर, राइट, आपको मैन पावर और स्टाफ लगेगी, आप अकेले नहीं कर सकते, आप अगर दो या तीन दोस्त है तो फिर आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप अकेले हो तो आपको आपके साथ दो हेल्पर्स चाहिए, राइट, जो क्राउड को मैनेज करे, जो ऑर्डर्स को मैनेज करे, जो आपको कुकिंग में हेल्प करे। द सेवेंथ इज
POS पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, क्योंकि सारे आपको ऑर्डर जो है वो आपको डिजिटल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि उससे आप अपने बिजनेस को सही तरीके से ट्रैक कर सकते हो। आप रिसीट काट के पेपर पे लिख के बिजनेस नहीं चला सकते ज्यादा एफिशिएंटली। एंड प्लस आपको POS सिस्टम ना कैश फ्लो में हेल्प करेगा, टैक्स पेमेंट के लिए सारा डेटा कलेक्ट करने में हेल्प करेगा, फाइनेंशियल साइड पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो POS सिस्टम लगवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सिस्टम आपको मंथली या फिर एनुअल सब्सक्रिप्शन बेसिस के ऊपर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, राइट? एंड द एथ एंड द लास्ट थिंग इज मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको आपके फूड ट्रक की मार्केटिंग और ब्रांडिंग इस तरीके से करनी है कि वो अगर उस सड़क पे खड़ा है तो फिर वो बाकी के सारी चीजों से अलग दिखे, स्टैंड आउट करे, राइट? आप उसके बॉडी के ऊपर पेंट कर सकते हो, बैनर्स लगा सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, अच्छा एक ब्रांड नेम लगा सकते हो, अपना कोई एक कंपनी का मैस्कट एक खड़ा कर सकते। अब बिजनेस ऑपरेशंस के बाद बात करते हैं कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, एंड इट इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया प्ले। आज की तारीख में आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर ब्रांड बना सकते हो, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हजारों लाखों फॉलोअर्स ला सकते हो, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल सकता है। आपको फूड के ब्रांड से स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है, राइट? एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे भी मिल सकते हैं। आपके फूड ट्रक के रेसिपीज के बारे में, डिशेस के बारे में, आपके प्रिपरेशन के बारे में, फूड ट्रक के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, आपके कुछ म्यूजिक फेस्टिवल्स, इवेंट्स, ऑनलाइन डिस्काउंट्स, प्रमोशंस, ये सारी चीजों के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर पोस्ट करते रहो, आपके कस्टमर्स के साथ एंगेज करते रहो, राइट? क्योंकि यू नेवर नो कि आपकी कौन सी एक या दो रील वायरल हो जाए एंड वो आपको एक बहुत बड़ा कस्टमर ऑडियंस खोल दे, राइट? एंड एक बार आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत बड़ा हो गया ना, फिर वो एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है लोगों के लिए कि अगर एक फूड ट्रक फेमस है तो फिर लोग वहां पे आएंगे खाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करेंगे, राइट? तो आई थिंक सोशल मीडिया का प्ले है पूरा आज की तारीख में यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करना है। तो सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, तो उसके ऊपर रील्स बनाओ, वीडियोस बनाओ, पोस्ट्स करो। तो आई थिंक दैट इज द मेन पार्ट दैट यू नीड टू डू अगर आपको आपके फूड ट्रक को मार्केट करना है। तो अब बात करते हैं कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितने चाहिए। डेफिनेटली इस बिजनेस को आप 5-10-20 हजार से नहीं शुरू कर सकते, आपको इसके अंदर कम से कम 1.5-2 लाख, 2.5 लाख रुपए डालने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर आप मोटा पैसा लगा रहे हो लेकिन आपको उसके बाद में बहुत ज्यादा मोटा पैसा मिल भी रहा है, राइट? तो आप जितने इन्वेस्ट करोगे उसके प्रपोर्शन में ही आपको उतने रिटर्न्स मिलेंगे। तो इसके अंदर कितने पैसे चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ कमर्शियल व्हीकल, किचन इक्विपमेंट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रीमेड रेडीमेड फूड ट्रक रेंट पे लोगे तो आपकी ये जो 4-5-6 लाख की कॉस्ट है ना, वो डायरेक्टली मंथली कॉस्ट के ऊपर आ जाएगी, जो कि 20-25-30 हजार रुपए, राइट? जिसको आप आराम से शुरू कर सकते हो। लाइसेंसेस एंड परमिट्स, वन टाइम कॉस्ट है 40-50 हजार, आपके स्टेट के हिसाब से, आपके लोकल एरिया के हिसाब से चेंज हो सकता है। POS सॉफ्टवेयर 24,000 एनुअली, यानी कि 2,000 रुपए का मंथली सब्सक्रिप्शन है। रॉ मटेरियल्स 30,000 रुपए मंथली, स्टाफ का यूनिफॉर्म एंड सैलरी वो 35,000, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पे कर रहे हो, आप कितना स्टाफ रख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड मिसेलेनियस, जो कि ओवरहेड्स के लिए, राइट? एंड दैट इज 25,000 एनुअली। तो ये प्राइसेस तो ऑन हायर एंड है, लेकिन अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि आपको कितना पैसा डालना पड़ेगा, तो करीबन 1.5-2 लाख रुपए आप अगर इसमें डालते हो तो आप ये बिजनेस इजिली स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, राइट? इसको बड़ा कैसे बनाना है उसके बारे में आगे बात करेंगे, और आपका पैसा जल्दी से कैसे वापस आएगा, इसके अंदर कितना प्रॉफिट है, कितना धंधा कर सकते हो, उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट? कि मैंने 1.5-2 लाख, 2.5 लाख रुपए लगा दिए, लेकिन मेरे पैसे वापस कब आएंगे, कितना पैसा कमाऊंगा मैं इसके अंदर। तो इसके अंदर ऑन एवरेज एक फूड ट्रक इंडिया में 7-10 हजार रुपए दिन का धंधा करती है, यानी कि महीने के 2-3 लाख, यानी कि साल का 25-36 लाख रुपए का धंधा होता है एक फूड ट्रक का इंडिया में। तो अगर मैं 2-3 लाख रुपए लगा रहा हूं और मेरा दिन का धंधा ज्यादा से ज्यादा 3-4 हजार का ही हो रहा है, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पीरियड हो जाता है 4 महीना, एंड दैट इज नॉट बैड। 4 मंथ्स के बाद में आपका इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा रिकवर हो जाएगा, एंड उसके बाद में आपका पूरा प्रॉफिट बनेगा, सिर्फ जो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो होते रहेंगे। एंड अगर आप कोई इवेंट, एग्जीबिशन, म्यूजिक फेस्टिवल में जाते हैं, तो फिर आप वहां पे दिन के 35-40-50 हजार रुपए का भी धंधा कर सकते हो सिर्फ एक दिन में। प्रॉफिट मार्जिन इस बिजनेस में 35-40% के बीच में, क्योंकि इसमें रेस्टोरेंट की तरह काफी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, ओवरहेड्स नहीं है, राइट? तो इसके अंदर काफी अच्छे प्रॉफिट से 35-40% के बीच में आपके प्रॉफिट्स हो सकते हैं। अगर आप अपना ब्रांड बनाते हो तो फिर आप एक प्रीमियम प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, जो और ज्यादा प्रॉफिट्स इंक्रीज करेगा। सो गाइस, ये सारी चीजें चाहिए एक फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड इसके बाद में अगर आपको पूरे पैन इंडिया, अगर आपको अब्रॉड भी अगर एक्सपांड करना है, सो द बेस्ट वे इज फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल, राइट? इसके बाद
होगा भी आप अपने फूड ट्रक्स के फ्रेंचाइजेस दे सकते हो। एक अगर आपका फूड ट्रक अच्छे से चल गया ना, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली काफी सारे इंक्वायरीज आएंगे फ्रेंचाइज के लिए, एंड आप फिर उसके बाद में फ्रेंचाइज फी लेके फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर इस बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो, एंड देखते ही देखते कुछ सालों में आपके काफी सारे फूड ट्रक्स पैन इंडिया एंड अब्रॉड भी खुल सकते हैं। सो गाइस, ये फूड ट्रक का बिजनेस है, नो कि थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स थे कवर अप करने के लिए। नीचे टाइम्स टाइम से आप उसको यूज कर सकते हो, एंड नीचे काफी सारे यूजफुल लिंक्स दे रहा हूं जिसके ऊपर जाके आप इस बिजनेस के बारे में और सीख सकते हो। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।